मैं 2 दिनों से मुन्नार में ही हूँ और आज मैंने कैमरा चालू किया है। अगर आप स्विट्जरलैंड को पसंद करते हो, स्विट्जरलैंड जाना चाहते हो, तो उससे पहले आपको एक बार मुन्नार जरूर आना चाहिए। मैं यहाँ पर 2 दिनों से हूँ लेकिन वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और बंगाल तक ट्रेवल किया है लेकिन इससे खूबसूरत जगह मैंने कहीं पर नहीं देखी अभी तक। तो यहाँ पर चाय की खेती होती है और ये एक टूरिस्ट पैलेस है, लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं वो सिर्फ फेमस जगह पर ही जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ के लोकल एरिया में घूम रहा हूँ। कल मैंने 10 किलोमीटर की वॉकिंग की और आज भी मैं उतनी ही वॉकिंग करने वाला हूँ। मैं इस पानी में ही आगे चलता चलता आगे जाऊँगा और फिर मुझे आगे रोड मिल जाएगी। ये पानी यहाँ पर 24 घंटे बहता है। ये है आगे का नज़ारा, आगे ये रास्ता पहाड़ों में जाता है। चलिए थोड़ा ऊपर और चलते हैं और वहाँ से पूरा नज़ारा देखते हैं। मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, बहुत ठंडा मौसम हो गया है अभी और उस पहाड़ पर बादल टकरा रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह पानी बह रहा है। ये है आगे का नज़ारा, इट्स लाइक स्विट्जरलैंड, द मिस्टी मुन्नार। मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पर ऊपर एक मंदिर है, शायद महादेव जी का मंदिर है। ये हैं चाय की पत्तियाँ। और ये पानी आ रहा है उस पहाड़ से, बहुत नीचे बादल आ गए हैं, शायद बरसात हो सकती है। ये पहाड़ भी पूरा बादलों से ढका हुआ है। शायद ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। थोड़ी सी धूप निकली है अभी लेकिन उस तरफ बिल्कुल ही छांव है। मुन्नार में हमेशा बादल रहते हैं और इसीलिए मुन्नार को बोला जाता है मिस्टी मुन्नार। मुन्नार जो सिटी है उसमें पॉपुलेशन बहुत कम है और यहाँ के लोग चाय की खेती करते हैं। थक गया हूँ चलते चलते, 3 किलोमीटर से पैदल चल रहा हूँ। पानी पी लिया है, मुंह धो लिया है, अब आगे चलते हैं। इट्स लाइक यूरोपियन कंट्रीज। पैर बहुत दुख रहे हैं क्योंकि 10 किलोमीटर की पैदल वॉक मैंने कल की और आज भी मैं 4 किलोमीटर हो गए पैदल चल रहा हूँ। यहाँ पर हर आधे किलोमीटर की दूरी के बाद एक अच्छा सा ढंग का वाटरफॉल दिख जाता है। दोस्तों जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उस रास्ते पर आपको और आसपास के जगह पर आपको कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं आया हूँ चाय के बागानों में, चाय के खेतों में, जहाँ पर आम लोग, आम टूरिस्ट नहीं आते हैं। जितना आगे जा रहा हूँ मुझे उतने ही नेचुरल जगह देखने को मिल रही है। ये बहुत ही शानदार जंगल है। चलते चलते 7 किलोमीटर हो गए हैं और इस रास्ते का कोई एंड नहीं हो रहा है। ये रास्ता ऐसे जाएगा, अब ऐसे करके उस पहाड़ी पर, फिर उस पहाड़ी पर, फिर आगे चलकर उस बड़े वाले पहाड़ पर, और आगे जाकर ये रास्ता एक पड़ोस वाले गांव में जाता है जो यहाँ से 10 किलोमीटर तक दूर है। दोपहर के 3 बज गए हैं तो इन पहाड़ियों पर मुझे अब कुछ खाने के लिए कुछ मिलने वाला है नहीं। उस रोड पर मुझे आगे कुछ एक टाउन दिख रहा है, चाय के बागानों में से निकल कर ही नीचे उतरना पड़ेगा। देखते हैं निकल जाएंगे। अभी और भी नीचे जाना है। गिर गया, यहाँ मिट्टी बहुत चिकनी है, पैर फंस गया मेरा। अभी तो मैंने आधी ढलान पार की है, बहुत डेंजरस जोन है, लेकिन मुझे यहीं से उतरना पड़ेगा। मौसम काफी ठंडा है क्योंकि ऊपर बादल आ गए हैं। मैं उस पहाड़ी पर वहां पर था, फिर चाय के बागानों को पार करते करते मैं नीचे आया। बहुत क्लीन वाटर है और अब मुझे
आगे जाना है, मुझे थोड़ी चोट लग गई है। अब रोड की तरफ चलते हैं, इधर मुझे कोई टाउन मिलेगा तो मैं कुछ खाने के लिए ले लूंगा। एकदम दूध जैसा पानी है। इस रास्ते पर मैं आधे घंटे से चल रहा हूँ। मैं सुबह 11 बजे निकला था और अभी शाम के 4 बज गए हैं। नार से 10 किलोमीटर दूर हूँ और एकदम लोकल इलाका है जहाँ के लोग हिंदी नहीं समझते हैं। यहाँ के पेड़ बहुत लंबे लंबे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई उल्टा इंसान लटका हुआ है, हाथ पांव और सिर बिल्कुल एक इंसान जैसे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा डरावना है ये तो। इस रास्ते से मैं आया हूँ और मुझे इस रास्ते पर आगे जाना है। लगभग मैं 10 किलोमीटर चल चुका हूँ और इस पहाड़ को पार करके मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा जहाँ मेरे को मेन रोड मिल जाएगी। बड़े बड़े जंगल, इस जंगल को मैं आज क्रॉस करूंगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि अभी 6 बज गए हैं और 7 बजे अंधेरा हो जाएगा और कुछ ही देर में रात हो जाएगी। यहाँ पर पानी की आवाज आ रही है। दोस्तों मैं उस जंगल में जा ही रहा था, उस जंगल को पहाड़ को क्रॉस करके मेन रोड पर जाने के लिए, लेकिन उतने में ये भाई आया और मेरे को मना कर दिया कि उस जंगल में मत उतरो क्योंकि वहाँ पर कुछ जंगली जानवर भी हैं और वो डेंजरस हो जाएगा क्योंकि ये अभी टाइम शाम हो गई है और रात होने वाली है। तो अभी बाइक पर जा रहे हैं वापस। यहाँ पर एक चर्च बना हुआ है, यहाँ पर एक स्टेचू भी है, शायद जीसस का है, और उधर एक बहुत ही अच्छा चर्च बना हुआ है। यहाँ पर चढ़ते चढ़ते मुझे एक भाई मिला, ये जोशुआ एंड वी बोथ आर गोइंग टू चर्च, दैट इज सेंट मैरी एंड जीसस। दिस इज द मेन गेट ऑफ चर्च एंड देयर इज ए स्टेचू ऑफ जीसस एंड हिज मदर। This is the second entrance gate of church and now we will go to inside, but camera is not allowed. We visited church and now we are going back to down and then I will visit a temple. This man Joshua told me a lots of new things about church and Christianity. अभी शाम का टाइम हो गया है, मंदिर पहुंच गए हैं हम। यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है सिटी का। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ मेरे रूम में वापस। पूरे दिन में 10-12 घंटे मैं मुनार में घूम रहा था और इसमें मैंने लगभग 10-12 किलोमीटर की पैदल वॉकिंग की और फिर कुछ बाइक पे और फिर सिटी में मैंने ट्रेवल किया। तो मुनार मुझे बहुत अच्छा लगा, ये किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। अगर आप कभी साउथ इंडिया आते हो तो आपको मुनार का प्लान जरूर बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।